और मैं हूँ इस चैनल के प्रगति और बसंती, क्योंकि जब तक मेरी खबरें चलेंगी तब तक ये न्यूज चैनल चलेगा। यूं के और आज की मुख्य खबर पर 100 वाक की रोशनी डालने से पहले देखते हैं देश के अलग अलग कोनों की कुछ खास खबरें। मुंबई के इंजीनियर आशीष भाटिया को आईटी कंपनी ने ऑफिस के पहले दिन ही नौकरी से निकाल दिया। आईटी कंपनी ने अपने बयान में हमें बताया कि नौकरी के ऑर्डर में लिखा था जॉइनिंग के बाद आशीष को क्वार्टर भी मिलेगा। तो आशीष जॉइनिंग डेट पर ही सोडा बॉटल लेकर पहुंच गए ऑफिस। एक बाबा के प्रवचन के बाद कई लोगों ने अपनी याददाश्त खोई। बाबा का कहना है कि अब इन्हें भगवान के सिवा और कुछ नहीं रहेगा याद। कई पति अपनी पत्नियों को लेकर बाबा के सत्संग में पहुंचे। आने वाले सत्र में नेता असेंबली में रखने वाले हैं कौवे को देश का ऑफिशियल पक्षी बनाने की मांग। वेल, नेताओं का कहना है कि कौवा हर जगह पाया जाता है और समानता का प्रतीक है और भारतीय धरोहर में उसकी है अपनी एक जगह। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जब मुझे 10:30 बजे नींद आ जाती है तो भी मेरा मोबाइल लास्ट सीन कुछ और क्यों दिखाता है। जी हाँ, ये प्रॉब्लम आम आदमी के जीवन की हो चुकी है। टेक्नोलॉजी ने हमारी रातों की नींद और दिल का चैन छीन लिया है। बचपन में तो नींद आ जाती थी, लेकिन अब हाल ये है कि हम मोबाइल को रेस्ट देने के लिए थोड़ा सो जाते हैं, लेकिन अब आपके सोने की प्रॉब्लम होने वाली है सॉल्व, क्योंकि बेंगलुरु की फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है सोने का बिस्किट। वो वाला सोना नहीं, ये वाला सोना। ये जानने के लिए इस समय बेंगलुरु की फार्मा कंपनी में मौजूद है हमारे रिपोर्टर रमेश। हेलो प्रगति, इस समय मेरे साथ मौजूद हैं सोने के बिस्किट बनाने वाले गोल्ड बिस्किट कंपनी के MD मिस्टर तरुण खिटखिट। आइए हम इनसे ही जानते हैं कि उनकी कंपनी ने ये क्या सोच के बिस्किट बनाया है। सर देखो बेटा, रमेश। हाँ ओके रमेश, तो देखो बेटा ऐसा है, आजकल के बिजी शेड्यूल के चलते आंखें बंद करूं तो इसका चेहरा नजर आए, आंखें खोलूं तो उसका चेहरा नजर आए। और आप तो जानते ही हो कि एक स्वास्थ्य जीवन के लिए 6 से 8 घंटे की नींद कितनी जरूरी होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसके लिए हमने बनाए हैं सोने के बिस्किट। खाने के बाद आप ये 2 बिस्किट खाएं और धीरे धीरे आपको नींद आने लगेगी, और हाँ ठीक 8 घंटे के बाद आपकी नींद खुल जाएगी। तो ये बिस्किट ना सिर्फ सुलाता है, आपको जगाता भी है। रमेश रमेश रमेश, अब खिटखिट सर से पूछो कि इनके बिस्किट में और स्लीपिंग पिल्स में क्या अंतर है। नींद की गोली खाने से भी तो नींद आती है ना। ओह, वेरी गुड क्वेश्चन प्रगति, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, नींद की गोली खाने के कई साइड इफेक्ट होते हैं, इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमारे सोने के बिस्किट 100% नेचुरल है। इसको हमने खास जड़ी बूटियों से बनाया है, इससे सेहत पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई ठेस नहीं पहुंचता। और हाँ, मेन पॉइंट मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। देखो, इस बिस्किट खाने के बाद ऑटोमेटिकली 8 घंटे के बाद आप जाग जाते हैं बाथरूम जाने के लिए। जी जी बढ़िया सर। वैसे सर मुझे भी ना आजकल ना रात को नींद नहीं आता है, मतलब मैं भी करवटें बदलता रहता हूँ, तो मैं भी ये बिस्किट खाना शुरू कर दूँ। देखो बेटा, ये ना प्यार की ज्यादा एक्टिंग मत करो। इस बंदे का चेहरा देख के, इसकी आंखें देख के मैं बता सकता हूँ कि ये भरी दोपहरी में कई घंटे सोता है। बेटा ये सब बंद कर दो। रमेश रमेश। हाँ ओके रमेश। ओवर टू प्रगति। तरुण खिटखिट तो MG के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी निकले। वैसे इन सोने के बिस्किट के बारे में हमें लगातार कुछ ना कुछ नई जानकारी मिल रही है। हमें ये पता चला है कि अगर आप रात को चैन की नींद चाहते हैं तो आपको ये सोने के 2 बिस्किट खाने होंगे, और अगर आप दोपहर को झपकी लेना चाहते हैं तो आपको ये 3 बिस्किट खाने होंगे। और अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु क्राइम ब्रांच से सीनियर ऑफिसर चंदन CM, जिनका डिपार्टमेंट इन सोने के बिस्किट का विरोध कर रहा है। आइए जानते हैं कि इस विरोध का क्या है कारण। प्रगति, इससे क्राइम बहुत बढ़ जाएगा, लोग बिस्किट खाएंगे और सो जाएंगे, चोर आएंगे और लूटमार करके चले जाएंगे। इससे सेफ्टी पर बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो सकता है। लेकिन सेफ्टी की क्या
चिंता जब आप जैसे ऑफिसर्स हैं चंदन जी? प्रगति, ये तो आपने मेरी तारीफ की, मुझे बड़ा अच्छा, लेकिन लोग ज्यादा सोएंगे तो हमें जागना पड़ेगा, और अगर हम जागेंगे तो हमें सोना भी पड़ेगा, यानी कि कुल मिला के प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, समझ रही हो ना तुम? ना, बिल्कुल नहीं, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि अगर आप अब चैन की नींद सोना चाहते हैं तो आपको जागने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस बिस्किट खाओ और सो भी जाओ और जाग भी जाओ। जैसा आप ठीक। थैंक यू। तो सोने के बिस्किट होने वाले हैं मार्केट में जल्द ही लॉन्च, और हमने देश की जनता से जाना है कि उनका इन बिस्किट्स पर क्या है रिएक्शन। आइए देखते हैं। सोने की बिस्किट हमारे संस्कार के खिलाफ है। सोने की बिस्किट सारे मार्केट में? मेरे लिए तो ये सोने की बिस्किट माशाल्लाह। सोने के लिए सोने की बिस्किट खाने की क्या जरूरत है? सोने की बिस्किट के साथ साथ एक सोने के लिए ड्रिंक बनानी चाहिए, इसे पीकर आदमी चैन से खा पीकर सो जाए। तो इसे सोके खाना है या खाके सोना है? Oh my God, very confusing. तो ये था देश की जनता का रिएक्शन इन सोने के बिस्किट पर। क्या होगा इसका देश पर इफेक्ट? क्या इन बिस्किट्स को खाकर लोग बोलेंगे सोना सोना दिन में भी सोना? ये तो बिस्किट लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। So, that was our exclusive report only on No News Network. जहाँ खबरें चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। See you next time. Thank you for watching. हाय, मैं हूँ आलिया भट्ट। कीप वॉचिंग कॉमेडी वाला कॉमेडी का परमानेंट अड्डा।